एक महीने में 5 किलो वजन कम करने के लिए डाइट प्लान। सबसे पहले सुबह नाश्ते में उठकर आप एक कटोरी दलिया खा सकते हैं, एक कप दूध पी सकते हैं और कोई फल खा सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप 2 बॉयल्ड एग्स भी खा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये नहीं खाना चाहते हैं तो आप 1 कटोरी ओट्स का दलिया, 1 कटोरी दही या एक कोई फल इसके साथ खा सकते हैं। दोपहर में लंच के समय आप इन 3 चीज़ों में किसी एक चीज़ के साथ आप 2 रोटी खा सकते हैं, या तो 1 कटोरी कोई सी सब्ज़ी, या फिर 100 ग्राम कोई भी नॉनवेज, या 1 कटोरी दाल। इन 3 चीज़ों के साथ आप 2 रोटी खा सकते हैं लंच में। लेकिन याद रहे, आपको जब भी लंच करना है उससे पहले 1 कटोरी सैलड ज़रूर खा लेना है। और डिनर से पहले अगर आपको भूख लगती है शाम के समय तो आप कोई भी एक सीजनल फ्रूट खा सकते हैं, 1 कप दही खा सकते हैं या थोड़े बहुत मखाने खा सकते हैं। रात को डिनर के समय आप 1 प्लेट सलाद, 1 कटोरी दाल के साथ 2 रोटी खा सकते हैं। इस डाइट प्लान के साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो चीनी आती शुगर, उसको आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है पूरे महीने भर। आपको चाय, कॉफ़ी या कहीं पर भी जो मीठा बनता है घर में या बाहर, जिसमें भी शक्कर पड़ती है, आपको वो नहीं खाना है। इसी के साथ आपको 3 से 4 लीटर पानी पर डे पीना है। अगर आप इसको 1 महीने तक फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वज़न 5 किलो तक कम हो सकता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।